दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है। दिल्ली में आज सुबह से ही लोग घने कोहरे की वजह से परेशान हैं। डेंस फॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही हैं। तस्वीरों में हम आपको दिल्ली के तीन इलाकों से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर जगह कोहरे की एक सफ़ेद चादर देखी जा सकती है। कोहरे के साथ ही ठंड भी बहुत बढ़ गई है, जिससे लोगों की परेशानियाँ दुगनी हो गई हैं। इंडिया गेट पर भी विजिबिलिटी लो है। गाड़ियों के लाइट्स जलाकर गाड़ियां चल रही हैं। आप देखिए, इस वक्त स्ट्रीट लाइट भी इंडिया गेट पर जलती हुई आपको दिखाई देंगे। और कुछ ऐसी स्थिति जीटी करनाल रोड की भी है। सुबह सभी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन थी, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। लाइट्स के बिना गाड़ियों की रफ्तार भी आप देख सकते हैं कि कितनी धीमी नजर आ रही है। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उन्होंने इंडिया गेट सर्कल से भेजी है। भारत शीतलहर की चपेट में है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर आज की बात करें तो गलन काफी ज्यादा है, वहीं पर कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंडिया गेट सर्कल की तस्वीर है। कोहरा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट तक जलाकर चलनी पड़ रही है। वहीं पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पर कहीं पर कोहरा ज्यादा है तो कहीं पर कम। फिलहाल मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। लगातार शीतलहर चल रही है, जिसके चलते गलन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों में दिल्ली में हल्की बरसात भी हो सकती है और उसके साथ ही तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। गिरावट तकरीबन जो तापमान में है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। जाहिर है कि लोगों को और भी ठंड झेलना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए, हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।